नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और ईश्वर की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। चांद आसमान पर कितना सुंदर लग रहा है और हम सब की भी यही इच्छा होती है कि हर त्यौहार पर हमारा घर भी बहुत सुंदर लगे। त्यौहार पर सबको घर सजाना अच्छा लगता है और इसके लिए जो मेरा घर सजाने का समय है, रात्रि के भोजन के बाद जब सब लोग आराम करने चले जाते हैं, तब मैं हर चीज़ सोच कर समझ कर अपनी इच्छा के अनुरूप अपने घर को सजाती हूँ। तो इस बार होली से पहले मैंने अपने घर को इस तरह सजाया है। घर की सजावट करते समय मैंने इस थीम को ध्यान में रखा है कि जो भी कोई घर में आए उसे ब्रज की होली याद आ जाए। तो मैंने मुख्य द्वार पर एक ट्रे में कुछ गुब्बारे, बाल्टी, पिचकारी ये सब रखी है और श्री कृष्ण जी और राधा जी की छोटी सी झांकी भी सजाई है, जिससे कि लगे कि ब्रज भूमि में हम हैं और होली खेल रहे हैं। हमारे मन में एक उत्साह है और देखो जितनी देर में जागूंगी मेरा एंडी भी मेरे साथ जागेगा, वो भी घर को सजाने में मेरी मदद करता है, मेरा मन लगाए रखता है। तो आप देखिए मैंने घर को कैसे डेकोरेट किया है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरे घर की डेकोरेशन? अगर आपको ये अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और छोटी होली और बड़ी होली पर मेरा कुछ और अलग करने का विचार है, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियोस। मैंने खेलना है होली फूलों की,
तो मैं कल जाऊंगी फूलों वाली मार्केट में, वहां से बहुत सारे फूल लेके आऊंगी और फिर अपनी मनाऊंगी होली फूलों से। तो मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए राम राम।